हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको, मेरी पिछली क्लास में आपने देखा था, वॉल्स से रिलेटेड हमने रेविट में बात की थी। आज हम वॉल्स के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं और वॉल्स में हम कोई भी चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मैं वॉल पे जाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल हमारे पास तीन टाइप की होती है, सिंपल वॉल है, कर्टन वॉल्स है और स्टैक वॉल है। अब सपोज मैंने वॉल, सिंपल वॉल लेता हूँ मैं और इस पर वर्क करता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को वो यहाँ पे आ रहा है, पॉपअप विंडो है प्रॉपर्टी की। इस पर ये सपोज ये वाली वॉल है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑन है। ये इसकी हाइट है 20 फिट, और अगर एडिट टाइप में जाएंगे हम तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी जो इसकी विड्थ है वो 8 इंच है। मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ से 8 इंच को मैंने सपोज 6 इंच कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब हमारी वॉल जो है वो 6 इंच पर वर्क करेगी। अब मैं इसको एक बार 3D में देख लेता हूँ। शिफ्ट और रोलर को प्रेस करके मैं इसको ऑर्बिट करके चेक कर लेता हूँ। अब इसके अंदर अगर मुझे कोई एडिटिंग करनी है तो मेरे पास वॉल, इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आए थे, और ये हमारे पास जो डायग्राम है हमारा वो 2D में हो जाएगा। अब अगर मेरे को इसको एडिट करना है, सपोज मेरे को इसको, इसका टॉप पोर्शन कुछ इस तरह से लेना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इस पोर्शन को मैंने ये कर लिया। अब मेरे को यहाँ से ये वाली लाइन डिलीट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मेरी जो वॉल है, अब मेरी जो ये वॉल है, मैं इसको राइट क्लिक करके अनजॉइंट एलिमेंट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो वॉल है वो कुछ इस तरह की आ गई है, और मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा के देख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे कोई डिफरेंट टाइप की कोई वॉल बनानी है लेवल फर्स्ट पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेवल सेट कर दूँगा और वॉल पे गया। यहाँ से मैं, अगर मेरे को रेक्टेंगुलर कोई पोर्शन बनाना है वॉल का, सपोज वो रूम भी हो सकता है या कोई भी एक ड्राफ्टिंग का कोई भी डायग्राम हो सकता है, और अगर कोई पॉलीगनल बनाना है तो यहाँ से मैं पॉलीगनल ले लूँगा। अगर मुझे कोई सर्कुलर बनाना है तो मैं सर्कुलर ले लूँगा। कोई आर्क वाला कोई पोर्शन बनाना है दीवार का, जैसे कि मैं यहाँ पे ये बना के देखता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का पोर्शन यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर मुझे कोई और शेप चाहिए तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ।
और यहाँ से शेप ले सकता हूँ। अगर मुझे इन वॉल्स के अंदर कुछ एडिट करना है तो मैं यहीं से ही इसको एडिट कर दूंगा। कैसे? सपोज ये सर्कल मेरे को एडिट करना है, तो मैंने ये सर्कल लिया, मेरे को ये वाली वॉल एडिट करनी है, तो मैंने ये वॉल ली, एडिट प्रोफाइल में गया, ओपन व्यू में गया, ये कुछ इस तरह का है मेरे पास, और मेरे को इसको एडिट करना है। कुछ अलग तरह से तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, और इसको सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ये वॉल में एडिटिंग होगी। यहाँ पे मैं इसको विंडो कह सकता हूँ, ये विंडो के लिए स्पेसिंग भी इसको मैं कह सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये होल हो गया है। मैं यहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके प्लानिंग करता हूँ, सपोज मैं वॉल से ड्राफ्टिंग करता हूँ, मेरे पास कोई प्लान है कुछ इस तरह का, इस प्लान पे हम वर्क करते हैं। इस प्लान पे मेरे पास यहाँ पे ये दो रूम है, ये मेरा एंट्री होगी, और यहाँ पे मेरा एक और ये रूम है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट के लिए, और ये बाथरूम के लिए मैंने पोर्शन छोड़ दिया, और ये आगे का स्पेस है। तो एग्जांपल के लिए इस प्लान को एक बार ले लेते हैं हम। इस प्लान को अगर हम 3D में देखें तो ये प्लान कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ एडिटिंग के लिए आपको ये बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारे को विंडो में कहीं पे खिड़की निकालनी है, या खिड़की का पोर्शन शो कराना है। तो सपोज इस वाली वॉल पे अगर हमारे को शो कराना है, तो मैं इस वाली वॉल को सेलेक्ट करूँगा, एडिट प्रोफाइल में जाऊँगा, और यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, और ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको लेवल बना के हम सेट कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ से चेक कर दिया, तो ये वॉल के अंदर होल हमें दिखाई दे रहा है, जो कि विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी वॉल में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसी ऐसे ही किसी प्लान में डोर विंडो सेट करना बताऊंगा, और रूफ़ लगाएं तो उसको अटैच कैसे करते हैं, रूफ़ कैसे सेट करते हैं, सीलिंग कैसे लेते हैं, फ्लोरिंग क्या होती है, ये सारे मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।